दोस्तों अब घाट उतरना चालू कर दिया, देख सकते हो कल आए थे तो उस रोड से आए थे ऐसे घूम के, अभी वाले से जाएंगे नागिन नाम से अपने। चेक कर सकते हो भाई नीचे पूरा व्यू। बहुत ही टेस्टी बना है भाई सेव भाजी, देख भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में एक बार और स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन यूपी में हैं, यूपी में क्या रेवसगंज की ठीक है, लेकिन गाड़ी उड़ी हम लोगों ने नाइट में खाली करके भाई अभी आ चुके हैं रेणुकोट वाले रोड में, जो कि सीधा सीधा जाता है। देख दोस्तों ये वाला रेणुकोट जाएगा सीधा सीधा। अभी मतलब सेठ को फ़ोन लगाया था सुबह कि भाई गाड़ी खाली हो चुकी है हमारी, तो बोल रहा था कि भाई नंबर उम्बर देते, नंबर उम्बर दिया तो बात उत किए हैं। बता रहा हूँ ऐसे बोल रहा है माल उल यहाँ से भर के जाना है कि क्या कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है ना। सुबह के दोस्तों 9:30 बज चुके हैं, रात में हमारी लोग की गाड़ी खाली हो गई थी करीबन 2-3 बजे, तो हम लोग सुबह सुबह वहाँ से निकले क्योंकि जो नो एंट्री यहाँ का वो लगता है भाई 8-9 बजे लगता है। तो हम लोग अभी निकल के आ चुके हैं, रोड पे खड़े हैं, अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। भाई चलते हैं दोस्तों आगे में नाश्ता पानी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाश्ता वास्ता का दुकान नहीं है, तो आगे में जाके भाई नाश्ता वास्ता करते हैं ठीक है। देखते हैं लूडिंग वूडिंग क्या मिलता है, कहाँ का मिलता है, रायपुर का तो बोल रखे हैं भाई, अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा ना। निकलते हैं आगे में, देखते हैं जहाँ पे रुके हुए थे कल वहीं पे जाते हैं। यही हो रहा है, सेब खाएंगे दोस्तों बढ़िया प्रोटीन वाला चीज तेल से हट के ठीक है, कभी कभी खा भी लेना चाहिए सब। काफी मीठा है दोस्तों ये, चालू कर दिया देख सकते हो, कल आए थे तो उस रोड से आए थे ऐसे घूम के, अभी इस वाले से जाएंगे नागिन नाम से अपने। चेक कर सकते हो भाई नीचे पूरा व्यू। चेक करो दोस्तों, कल दोस्तों उस वाले से चढ़े थे और इधर से उतरे हैं आज, ये देखो एक उतरने का एक चढ़ने का ठीक सिस्टम है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं भाई ट्रांसपोर्ट, लेकिन भाई ऐसा जगह ट्रांसपोर्ट दे रखा है ना पूरा, मतलब क्या ही बोला जाए, पूरा गांव घर होके जाना पड़ रहा है भाई। ट्रांसपोर्ट है तो उसको हाईवे पे रहना चाहिए ना, कहाँ गांव घर में पूरा पार करके जाना पड़ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है। और ट्रांसपोर्ट बुलाने का क्या सिचुएशन है यार, गाड़ी लोडिंग करानी तो भाई इधर से करवाना चाहिए ना। आ जाओ ट्रांसपोर्ट बोलता है बताओ है।
दोस्तों अभी रुके हैं भाई खाना पीना बनाने के लिए। पूरा कंजट एरिया भाई पार कर दिए। अब यहाँ पे सामने में मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट है, तो हम लोग सोचे भाई खाना बना लेते हैं उसके बाद में जाएंगे ट्रांसपोर्ट, है ना। खाना पीना बना ले रहे हैं यहीं पर ही। तो अजीत भाई आटा मार दिए हैं और आज दोस्तों बनाएंगे अपन सेव भाजी। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई सेव भाजी बनाओ अजय भाई ऐसे कह के, तो मैं सेव भाजी बनाने चला आज दोस्तों, ठीक है, अपने स्टाइल में। तो रोटी बनना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अजीत भाई आटा पहले ही मार लिए थे। यहाँ पे प्याज व्याज छील लिए हैं, लहसुन छील लिए हैं और इसको काट लेते हैं बढ़िया से। अब तो दोस्तों रोटी बन के रेडी हो चुका है, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर अजीत भाई मिर्ची काट रहे हैं भाई और प्याज काट रहे हैं, ये देख सकते हो। तो अभी बनाते हैं दोस्तों सेव भाजी फटाक से। और सेव भाजी में आप लोगों को पता है भाई कि टमाटर नहीं डालता है, टमाटर डलेगा तो भाई दूध फट सकता है ना। और सेव टमाटर बना रहे हो तो उसमें सेव टमाटर डलता है, जैसे कि मसाला बना ले उसके बाद सेव डाल दिए, उतना खास नहीं लगता है लेकिन मेरे को अपना सेव भाजी बढ़िया लगता है। दोस्तों ये गरम हो चुका है भाई कढ़ाई और डाल दे रहे हैं तेल। तो देख सकते हो दोस्तों जीरा भाई मस्त लाल हो चुका है और भूख इतनी ज़्यादा तेज लग रही है ना, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या डाल दिया मैंने, ये मिर्ची, इसको फ्राई होने देते हैं दोस्तों अच्छी तरीका से, लाल होने तक भूनते हैं। तो दोस्तों लाल मिर्ची गया, ये हल्दी, धनिया पाउडर, तो अब कर लेते हैं इसको बढ़िया मिक्स। और नमक लास्ट में डलेगा भाई। दोस्तों अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, अब जा रहा है इसमें सेव। अब जाएगा इसमें दूध, ये आधा लीटर दूध लेके आ गए थे हम लोग। ये सेव भाजी हमारे अंदाज में, तो देख सकते हैं दोस्तों उबाल आ चुका है भाई अच्छी तरीका से। चला दोस्तों अब लास्ट में नमक, भाई क्या है तुरंत डालने से ना फट जाता है दूध, इसके वजह से हम पकने के बाद में पूरा डाल दे रहे हैं। तो ये लगभग बन गया है, अब बस खाने की देरी है और यहाँ से निकलने की देरी है। निकाल ले रहे हैं भाई सेव भाजी, ये देखो दुकान पे खाएंगे तो 140 रुपये का प्लेट है भाई, 70 रुपये की हाफ प्लेट मिलती है, ये देखो। तो दोस्तों खाना हमारा निकल चुका है, देख सकते हो यहाँ पर बड़े दिनों के बाद सेव भाजी खा रहे हैं अभी बना के। बहुत ही टेस्टी बना है भाई सेव भाजी, हाँ
और स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे बनाया है दोस्तों हमने सेव भाजी। खाते हैं दोस्तों अजीत भाई भी साथ में ही फटाफट लोडिंग करने के लिए। अब देखो निकलना भी है, आज तो मेरे को नहीं लग रहा है, नहीं तो फोन आता 10 बार। हो गया भाई, नमकीन को साइड रखो अजीत भाई, अभी एक सब्जी का और बचा हुआ है, 70 रुपए का दिया था मेरे को, इधर महंगा लगाया लेकिन यार नमकीन को पेट में जगह बना दूं। निकलते हैं दोस्तों, लोडिंग वोडिंग करते हैं यार। लोडिंग आज मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई टाइम कितना बज गया बताऊं, 2:30 बज चुका है। चलते ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अभी पता नहीं है कहाँ पर है ट्रांसपोर्ट, वो भी ऐसा ऐसा गली से है ना दोस्तों, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो दोस्तों हम ऐसी जगह में आ चुके हैं ना भाई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरा, मतलब इधर सिटी वाला एरिया आ गया है। ट्रांसपोर्टर वाले को बोल रहा हूँ कि भाई भेज दो लोकेशन, भेज दो बोल रहा हूँ तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है भाई, लोकेशन भेज ही नहीं रहे और मैं इधर से इधर भटक रहा हूँ, क्या बताऊँ भाई, पूरा सिटी वाला एरिया है दोस्तों पूरा। अभी एक बाइक वाले की बेचारे की गाड़ी गिर गई, ऐसे साइड में लगा रखा था, थोड़ा सा गिर गया भाई उसका बाइक, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। देख भाई दबा लूं, साइड कर ले भाई प्लीज यार, देखना भाई साइड को, मैं पागल था जो इधर आया, जाने दो जाने दो जाने 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 करीबन बज चुके हैं 9:30 और हम लोग भाई यहीं पर आके खड़े हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सिटी से भाई आ गए थे, उसके बाद में बाहर में आके खड़े थे और ट्रांसपोर्टर वाला भाई अभी तक लोकेशन भेजा नहीं है। खैर यहाँ पर पूछे हैं तो बोल रहा है आगे में है, ऐसे कह के ट्रांसपोर्ट, तो कल जाएंगे सुबह सुबह वहाँ पर और मिलती है फिर रायपुर की लोडिंग, फिर लोडिंग वोडिंग करके भाई निकलेंगे। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट चला गया इसके ट्रांसपोर्ट को खोजने में, इधर उधर पूरा खोजना पड़ा भाई, लोकेशन भेजने के लिए बोला, लोकेशन भेजने नहीं आता है बोल रहा है, आसपास में तो बंदे होंगे उससे बोल सकता भाई भेज तो लोकेशन कह के, नहीं भेजा लोकेशन, पूरा सिटी ओवरा सिटी पूरा मैं घूम लिया आज दिन भर, ठीक है। तो दिन भर घूम घाम के टेंशन इतना आया, उसके बाद में भाई सो गया था, फिर अभी शाम को उठा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कल क्या होता है कल के ब्लॉग में पता चलेगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों।